हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट थ्योरी वाला 11th क्लास का, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 करने वाले हैं बेटा हम लोग। ठीक है, 1.4 तक की सारी थ्योरी और जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम प्रीवियस क्लासेस प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, जिन्होंने भी पहले का नहीं पढ़ा है पहले उन वीडियोज को जाके देखें, एंड देन इसका जो थ्योरिटिकल पार्ट है एक्सरसाइज 1.5 के अंदर हमको कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो होता है ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, यू माइनस ए होता है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है, तो अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए तो वहां जाकर के वो उसको देख सकता है। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको यूनिवर्सल सेट दे रखा है, यू इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू 9 दे रखा है। एक सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, एक सेट बी दे रखा है, एक सेट सी दे रखा है और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ए डैश फाइंड करना है। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए होता है। तो यू माइनस ए का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट लिख दो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माइनस ए यानी 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू में क्या आएगा, देखो यू में से ए को सबट्रैक्ट करना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा दो जो कि सेट ए के पास है। तो सेट ए के पास 1, 2, 3, 4 है, तो 1, 2, 3, 4 को हटा दो, बचे क्या 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमको क्या मिल गया बच्चों, ए डैश मिल गया, ठीक है। दूसरा आता है बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस का बी सेट। तो यू तो यही रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। माइनस का बी, बी क्या दिया, बी 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 को इसमें हटा दो तो बचा क्या 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर्स हटा दी तो ऑड नंबर्स बच गए, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, ए यूनियन का डैश। तो दो तरीके से कर सकते हैं इसको, एक तो हमने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि इस डैश को अंदर भेजेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश हो जाएगा, या फिर आप, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, सी डैश निकालना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्शन लेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले ए यूनियन सी निकाल लेंगे। तो पहले हम अगर ए यूनियन सी करते हैं तो ए क्या है 1, 2, 3, 4 और यूनियन सी क्या है भी हमारे पास 3, 4, 5, 6, ये आ जाएगा हमारे पास। अब जो भी आएगा इसका डैश लेना है हमको, क्या लेना है, इसका डैश लेना है। तो यूनियन लेने पर क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास 1, 2, 3, 4, तो आ ही जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, 6। अब इसका डैश निकालना है, इसका डैश निकालने का मतलब क्या हुआ, इसको यूनिवर्सल में से सबट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। माइनस का ए यूनियन सी कर दो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 से लेकर 6 का सबट्रैक्ट हो गया तो बचा क्या भाई 7, 8 और 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 7, 8 और 9 जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए यूनियन बी का डैश। तो अगेन सेम प्रॉब्लम है, पहले ए लिख दो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ए आ गया। यूनियन बी क्या है, बी है 2, 4, 6, 8 और फिर जो भी आएगा उसका डैश लेना है। तो पहले देखते हैं वो क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8 और फिर इसका डैश लेना है। तो इसका डैश लेना है तो मतलब क्या हुआ, एक मिनट, थोड़ा विजिबल नहीं है, एक मिनट अब दिख जाएगा बच्चों आपको। तो इसका डैश लेने का मतलब क्या हुआ, इसको फिर यूनिवर्सल सेट में सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉपी, आपने पहले दो क्वेश्चन कॉपी कर लिए होंगे, मैं यहीं रफ करके इसको कंप्लीट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा कि U माइनस का A यूनियन B करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर U क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। U माइनस और ये भी जो आया है 1, 2, 3, 4, 6, 8, जब इनको हटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 तक तो हट गया, 5 आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, पहले के फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। इसमें दो तीन पार्ट और हैं, आप कॉपी कीजिए फिर आगे देखते हैं बेटा। अगला पार्ट देखते हैं बेटा इसका, फिफ्थ पार्ट क्या है, ए डैश का डैश। तो वैसे तो हमको प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके वापस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए आ जाता है, ये आंसर हो गया। बट इसको सॉल्व करके दिखाना है, जो सॉल्व करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश यानी यू माइनस ए करेंगे। तो हमने निकाला था
यू ये रहा हमारे पास और ए ये रहा, तो यू में से ए को जब हटा देंगे तो 1 2 3 4 हट गया, तो क्या बचा 5 6 7 8 9। अभी हमारे पास ए डैश आ गया है, अब ए डैश का फिर से डैश करना है, यानी यूनिवर्सल में से ए डैश को हटाना है इस बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -5 6 7 8 9 इसको हटा दो, तो ये जब हट जाएगा तो बचेगा क्या 1 2 3 4, और ये तो ए आ रहा है, तो ये हमने बताया था कि जब डैश का डैश करते हैं तो वापस से वो ही सेट आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ये क्या कर रहा है, बी माइनस सी का डैश, तो पहले बी माइनस सी निकालते हैं, तो बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, बी सेट तो 2 4 6 8, ये तो बी आ गया, माइनस का हाफ माइनस का सी 3 4 5 6, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, इस सेट में से बी में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो सी के पास भी है, तो एक तो 4 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, एक 6 हट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, बी माइनस सी आ गया 2 8, ये बी माइनस सी आ गया, अब इसका डैश निकालना है, तो यानी कि यू माइनस का 2 8, जो यू है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, इसमें से 2 और 8 को हटा देंगे, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, जल्दी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 और 9, ये हमारा क्या जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये 4 डिफरेंट सेट दिए हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो बहुत इजी है, पहला ए डैश, ए डैश का मतलब यू माइनस ए करना है, तो यूनिवर्सल में ये साथ लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसमें से वो एलिमेंट हटा दो, जो ए के पास ए बी सी हटा दो, ए बी सी हट गया तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, ये क्या आ गया अपना ए डैश आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर बात करते हैं बी डैश की, तो बी डैश क्या हो जाएगा यू माइनस का बी, तो यूनिवर्सल में से डी ई एफ जी हटा दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी हट गया तो एच आ गया, ये हमारा यू माइनस बी यानी बी डैश आ गया। अब सी डैश की बात करते हैं, तो सी डैश हो जाएगा यू माइनस का सी, तो यू में से सी, सी क्या है ए सी ई जी, ए सी ई जी ऑल्टरनेट के अंदर हटा दो, तो हमारे पास क्या बचा बी डी F H, ये आ गया भी अपने पास। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट क्वेश्चन है D, तो D डैश क्या हो जाएगा, D डैश हो जाएगा U माइनस का D, तो D क्या है F G H A, तो एक तो A को हटा दो, एक F को हटा दो, एक G को हटा दो और एक H को हटा दो, इनको हटा दो तो बच गए वो हमारे कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे बेटा, तो क्या आ गया B C D E, ये हमारा आ गया D डैश। आई बात समझ में, बहुत सिंपल है, फटाफट से कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है उसको आप यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 1 2 3 अप टू n, ये हमारा क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया अभी। ठीक है बच्चों, अप टू n तक जा रहा है, ये लिखना है अप टू n, ये हमारा क्या हो गया है नेचुरल नंबर का सेट हो गया है। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं ए डैश निकालना है, वो इसका डैश निकालना है, तो यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए अगर ए सेट है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं उसमें क्या होते हैं बेटा इवन नंबर होते हैं आधे, और आधे क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं, तो अगर नेचुरल नंबर में से हम इवन नंबर हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और सिमिलरली अगले में हमको ऑड नेचुरल नंबर को हटा देना है, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो ये क्या जाएगा x such that x is even natural numbers, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं दो ही टाइप के होंगे, या तो इवन होंगे उसके अंदर आधे और आधे ऑड होंगे, तो जब इवन को हटा दोगे तो ऑड बचेगा, ऑड को हटा दोगे तो इवन बचेगा, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट a डैश करने पर हमको b मिल रहा है और b डैश करने पर हमको a मिल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है x is a positive multiple of 3, तो यहाँ पर हम दो तरीके से दे सकते हैं, हम चाहे तो ऐसा दे सकते हैं कि x such that x is not multiple of 3, हम डायरेक्ट लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे साथ में कॉमन आ गया कि x belongs to natural number, x जो है natural number है जो 3 का multiple नहीं है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसमें आप बता देंगे यहाँ पर 1, 2, फिर 3 नहीं आएगा, फिर 4, 5, फिर 6 नहीं आएगा, 7, 8, 9 नहीं आएगा, 10 ऐसे चलता जाएगा, बस
तो यहाँ पर हम थ्री का मल्टीपल नहीं लिखेंगे या फिर हम इसे डिफाइन कर देंगे ऊपर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो या तो प्राइम होगा या प्राइम नहीं होगा। अगर प्राइम है, इधर प्राइम आ गया है, तो इसके डैश मार्क कर देंगे एक्स, सो दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसका डैश हो गया, ठीक है बच्चों। क्या लिख देंगे, नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से, फिर आगे देखते हैं बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर x नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 एंड 5 है, तो हम क्या लिख देंगे डैश में, क्या होगा कि जो डैश आएगा यानी कि इसका डैश लिखेंगे तो लिख देंगे हम लोग x दैट x बिलोंग्स टू 9 और x इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, ना तो वो 3 से डिविजिबल है और ना ही वो 5 से डिविजिबल है, जितने भी नंबर आएंगे वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ बोल देंगे x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ देंगे x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, x जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली यहाँ देंगे x दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें से परफेक्ट क्यूब को हटा दोगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, देखिए बच्चों अगला पार्ट देखते हैं। 8 जो पार्ट है x, इस तरह से कि x plus 5 is equal to 8 आ रहा है, क्या आ रहा है x plus 5 is equal to 8 आ रहा है, तो यहाँ तो हम क्या बोल देंगे इसको, ऐसा लिख सकते हैं x such that x is equal to 3, तो यहाँ पर हमको एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ बोल देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो x such that x belongs to natural number and x is not equal to 3, x 3 नहीं होगा बाकी सारे नंबर होंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट्स इट। अगला देखिए x such that this, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ये लिखेंगे हम x such that x is equal to 9 minus 5 upon में 2, तो यहाँ से हमको मिल गया x such that x is equal to 2, तो ये बोल रहा है x natural number जो कि 2 है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बोल देंगे x such that x belongs to natural number and x is not equal to 2, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता बाकी सब कुछ हो जाएगा, आई क्या बात समझ में। चलिए कॉपी कीजिए फिर अगला देखते हैं। चलो अगला पार्ट देखो क्या करें, ये दे रखा है x natural number जो कि 7 है और 7 से बड़ा है, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या करेंगे वो सारे natural number जो 7 से छोटे हैं, तो यहाँ पर आप बाहर लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये कॉम्प्लीमेंट आ गया। आप लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं x सर दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी आंसर सही है अपना, ठीक है। अब यहाँ जाओ x नेचुरल नंबर है और ये कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चलिए, तो ये बोल रहा है कि इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे जिस वो वाले x आएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि 2x plus 1 greater than 10 दे रहे होंगे, तो हम क्या लेंगे इसका डैश लेंगे तो x सच दैट x is a natural number and all such x for which 2x plus 1 less than or equal to 10, क्योंकि 10 इसमें आया नहीं है तो यहाँ पर include करना पड़ेगा, क्योंकि natural number है तो हमको लेना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, less than equal to 10, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर वैसे आप equal to नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ से जब solve करते हो तो x का value क्या आता है यहाँ से देखते हैं तो 9/2 आता है, तो यानी 9/2 आएगा 4.5, यानी कि जो स्टार्टिंग होगी वो 5 से होगी 5, 6, 7, 8, 9 अप टू दिस, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे x इज लेस देन इक्वल टू 9/2, बट इक्वल टू में तो आएगा नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर होता नहीं है, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, तो आप चाहे तो इसको अच्छा कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ तक अपने नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, आई क्या बात समझ में, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, चलो अगला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यूनिवर्सल सेंटर क्या 1 to 9, ए दरगा 2468, बी दरगा 2357, हमें वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है ये देख लेते हैं एक बार हम लोग। ए यूनिट बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये प्रॉपर्टी होती है हमने पढ़ रखी है, ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं इसको, तो इसको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, तो पहले हम क्या करते हैं LHS भी कर लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड भी ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा ए के एलिमेंट और बी के दोनों ले लो भी, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ये सारे के सारे हमारे ए यूनियन बी में आ गए। अब इसका डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी का डैश जो होगा वो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी होगा। तो यूनिवर्सल ये रहा 1 से 9 तक, और 2 3 4 5 6 7 8 को हटा दो तो आ जाएगा 1, ये हट गया 2 3 4 5 6 7 8 तक, तो 1 और 9 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 8 आ गया, हमारा LHS क्या आ गया 1.9। अब हम RHS को पिक करते हैं, RHS को उठाते हैं, तो RHS क्या कह रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ पर पहले पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, ए डैश का मतलब यू माइनस है, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 4 6 8 को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 1 3 5 7 9, ये आ गया आपके पास, ठीक है। फिर दूसरा हम देखेंगे बी डैश, तो बी डैश के लिए यू माइनस बी कर देंगे, तो यू में से बी को हटाएंगे तो 2 3 5 7 हटा दो तो 1 4 6 8 और 9 आ गया, ठीक है भैया। तक आ गया, अब हमको क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो देखने हैं, तो 1 है, हाँ 1 है, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर 9 है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 1.9, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 1 इक्वल टू 2 आ गया कि नहीं आ गया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो ये हो गया वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया, हमको वेरीफाई करना था, हमने वेरीफाई कर दिया कि ऐसा होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट और है वो भी देखते हैं बेटा, देखो बच्चों अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो पहले LHS ले लेते हैं, LHS कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, टू है, टू है, फोर नहीं है, फाइव सिक्स सेवन एट, थ्री फाइव सेवन एट, तो इसमें तो केवल टू के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें टू आ गया। और फिर इसका डैश करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश यानी यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल में से टू को हटा दो तो 1 3 5 1 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक आ गया अपने पास सारा का सारा आ गया, ये आ गया। अब RHS उठाते हैं, RHS को पिक करो, RHS कह रहा है ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश निकालो पहले, ए डैश हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, तो यू में से ए को हटा दिया था तो 1 3 5 7 9 आ गया था। फिर बी डैश निकाला था तो यहाँ से हमने 2 3 5 7 बनाया था तो 1 4 6 8 9 आ गया था। अब इन दोनों का, इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है, तो यूनियन करेंगे तो क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ये क्या आ जाएगा भाई, इसके एलिमेंट और इसके, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों देखो इक्वल आ गया, आ गए इक्वल, ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया, ये भी हमने प्रूव कर दिया हेल्प थ्रू LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए भाई, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट, अगला देखिए क्या कह रहा है, ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ, हमें वेन डायग्राम बनाना है। पहला है ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी दो सेट है, तो दोनों सेट बनाए हमने, ये ए सेट, ये बी सेट, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, तो ए यूनियन बी का डैश मतलब पहले ए यूनियन बी देखो और फिर उसको यूनिवर्सल में से हटा दो, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, तो ये ए यूनियन बी दोनों सेट आ गए, इनको हटा देंगे तो क्या होगा, इसके बाहर वाले यूनियन, ये जो दे रहा है हमको क्या दे रहा है, ये ए यूनियन बी का डैश दे रहा है, ठीक है बच्चों। सेकंड क्या बोल रहा है हमको, सेकंड बोल रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दूसरा बोल रहा है बेटा हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका बनाना है। तो देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे चलिए ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, अब हमको क्या करना है ए डैश, तो ए डैश का मतलब क्या हुआ, ये वाला ए के बाहर वाला, ये ए के बाहर हो गया, और फिर बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, बी के बाहर वाला, ये हो गया। अब हमको वो पार्ट देखना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन कैसे आएगा भाई, देखो आंसर वही आना है, क्यों, क्योंकि देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी का डैश लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, मैंने बताया था, तो आंसर यही आना है। तो अब आपको क्या करना है, वो पार्ट देखना है जो दोनों में कॉमन है, देखो ये वाला पार्ट बाहर बाहर वाला पार्ट ही आ रहा है, बाहर वाला पार्ट ही दिख रहा है जो कि कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बी, ये बी, और इनके बाहर वाले पार्ट को फिल कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन
ये हमारा आंसर आ गया इसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आना यही चाहिए था क्योंकि देखो ये यही होता है। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है अभी देखते हैं, एक मिनट कॉपी कीजिए फिर अगला देखते हैं। थर्ड कह रहा है ना ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बना लेते हैं। तो ये बी हमको पता है ए इंटरसेक्शन बी ये वाला है, इसका डैश यानी इसके अलावा सारे आ जाएंगे, तो इसके बाहर के सारे नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो गया। और इसी के अंदर ही फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है, फोर्थ पार्ट जो है वो है ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखो देख के पता लग रहा है कि इंटरसेक्शन का जब डैश करोगे, इंटरसेक्शन का डैश करोगे तो ये आना है, तो मतलब डायग्राम तो कुछ ऐसा ही बनना है, बट हमको क्या करना है इसको बना के दिखाना है। तो इसको बना देते हैं, देखो पहले ए ले लिया, ये हमने बी ले लिया, ए रहा बी ये रहा। ठीक है भाई, अब क्या करें, ए डैश निकालो, ए डैश यानी ए के बाहर वाला पोर्शन, देखिए बाहर वाला पोर्शन, फिर ये दूसरा पोर्शन बी डैश, तो बी के बाहर वाला पोर्शन, और फिर बोल रहा है इनका यूनियन करो, तो यूनियन का मतलब हो गया कि देखो सब कुछ ले लो, तो ये वाला पोर्शन खाली है बाकी सब भरा हुआ है, तो ये हमें तो इट इज इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी। तो जब इनको फिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पूरा वाला, ये आ गया आपके पास, ये पोर्शन ले जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे के सारे आपके ट्राइंगल आ रहे हैं। ए सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर कम से कम ऐसे ट्राइंगल का सेट है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा। तो देखो इसके अंदर क्या क्या केस बन सकता है, एक ट्राइंगल ऐसा है जिसमें ये हो गया मान लो, ये हो गया आपका कुछ भी मान लो, जिसमें मान लो 45 डिग्री, दूसरा मान लो आप ये आपका मान लो 75 डिग्री, कुछ भी मान लो, डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा, तब जाकर के ऐड कर दो तो ये कितना 80 और 20, तो 60 आ रहा है, तो क्या है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक 60 नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें क्या होगा, कम से कम एक 60, तो मान लीजिए एक एंगल जो है वो 60 नहीं है, तो एंगल ए और एंगल बी इज नॉट इक्वल टू 60, इज नॉट इक्वल टू 60, ये आ गया, कम से कम एक 60 नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कोई भी 60 नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी 60 नहीं है उसके अंदर, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो जब आपको ए डैश निकालना होगा, ए डैश, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सारे के सारे 60 वाले आएंगे। भैया कह रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कि एक एंगल कम से कम एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों एंगल 60 नहीं होंगे। जब ए डैश निकालोगे तो ऐसे ट्राइंगल आ जाएंगे जिसमें कि सारे ही 60 डिग्री होंगे, तो ए डैश आ जाएगा आपका सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। बात समझ में कैसे हुआ भी है, क्योंकि ये कह रहा है एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं होना चाहिए कम से कम, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों ही 60 नहीं है। तो जब आप उनका ए डैश निकालोगे, अब सुनना मेरी बात, टोटल तो 180 होगा भाई, टोटल 180 होगा, और एक अगर आपका 60 नहीं हो रहा है तो या तो 60 से ज्यादा होगा या 60 से कम होगा, बट एडिशन तो क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो जब इसको यूनिवर्सल में से हटाओगे तो वो सारे एंगल आ जाएंगे जिनका एंगल का एडिशन तो क्या होगा भाई, आपके पास 180 होगा ना तीनों का, और एक एंगल आपका 60 नहीं था ए में, तो यहाँ तो होगा ही होगा, अगर एक 60 है तो डेफिनेटली दूसरा भी 60 होगा, तीसरा भी 60 होना ही पड़ेगा, तो तीनों 60 हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कर रही है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको ऐसे, इनमें ऐसा करो कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो पहला कह रहा है ए यूनियन ए डैश, तो एक तो सेट ए है, मान लो आप वेन डायग्राम समझा रहा हूँ आपको, ए यूनिवर्सल सेट है मान लीजिए आपका, एक सेट ए रहा, तो ए तो ये रहा ए डैश बाहर वाला हो गया, ये बाहर वाला ए डैश हो गया, तो ए और ए का पूरा यूनियन लोगे तो पूरा ही मिल जाएगा आपको, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट मिल चुका है, पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया आपके पास।
ठीक है, आई मास होमो। चलिए दूसरा कह रहा है फाइव डैश इंटरसेक्शन ए, तो फाइव डैश का मतलब क्या हो गया भाई, यू माइनस का फाइव, यानी कि यू ही आ गया, तो यू का इंटरसेक्शन, अगर यू का इंटरसेक्शन हम करते हैं, यू है हमारा और इसका इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए आ जाएगा अंदर वाला, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ए आ गया। ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए डैश है, क्या कुछ कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। फिर कह रहे हैं यू डैश इंटरसेक्शन ए, तो यू डैश का मतलब ये यू माइनस यू, यानी कि फाइव सेट, यानी कि नल सेट, और नल सेट को अगर आप इंटरसेक्शन करते हो किसी भी सेट के साथ तो क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का, आई बात समझ बच्चों यहाँ पे। चलिए तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.5 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करने से फायदा होगा कि नेक्स्ट जो भी वीडियोज आएंगे वो आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों, ओके टेक केयर।